हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हमारे पास वीवो Y83, चलिए एक बार एवर्ड फोन आप देख लीजिएगा। तो इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ, चलिए एवर्ड फोन पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिएगा Vivo 1803 ये मॉडल नंबर है। चलिए अब सीधे इसमें कर लेते हैं पबजी प्ले, देखते हैं कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट कर पाएगा। चलिए इसमें हमको लैग फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं नहीं मिलते सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, बताएंगे आपको। अगर आपके पास में फ़ोन है तो आप इसमें गेमिंग कर सकते हो या नहीं, अगर नहीं है तो आप इस फ़ोन को लेने वाले हो तो रुक जाओ, अब इस फ़ोन को मत लेना, पहले इस वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये फ़ोन आपको ख़रीदना है नहीं, अगर आप पबजी खेलते हो तो भी, नहीं खेलते हो तो भी आपको ये फ़ोन ख़रीदना है या नहीं। तो चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों आपको पता होगा ये पबजी बैन हो चुका है, तो ये पता नहीं मुझे कब तक चलेगा, आज चले कल चले परसों चले या ना चले, तो जब तक चलेगा वीडियो तो आते रहेंगी। लेकिन दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना भाइयों कि आपको अब पबजी से अलग कौन सी गेम की टेस्टिंग वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर। जो भी आपको वीडियो देखनी कमेंट जरूर कर देना, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी या जो भी गेम हो आप देखना चाहते हो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट पर वीडियो बनाऊँ, या जो भी गेम आप कहोगे मैं उसी गेम पर वीडियो बना दूँगा, क्योंकि भाई गेमिंग का चैनल मैंने अभी बना ही दिया है तो अब इसे गेमिंग का ही रखेंगे, अदर में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो अदर में भी चले जाएंगे, लेकिन बात सिर्फ आपकी होगी। चलिए अब गेम प्ले स्टार्ट होने वाला है, आपको दिखाते हैं इस फोन में कैसा गेम प्ले होने वाला है। तो मेरे पास है कौन सा वेरियंट है, तो मेरे पास है 3GB रैम वही 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। चलिए गेम प्ले को आगे देखते रहिए, गेम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं, तो चलिए सेटिंग पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ग्राफिक स्मूथ में मीडियम और बैलेंस में भी मीडियम ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है तो नॉर्मल ग्राफिक्स लो ग्राफिक्स ही सपोर्ट करेगा, बैलेंस में मीडियम और स्मूथ में भी मीडियम ही। चलिए बैलेंस में मीडियम में गेम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें प्रोसेसर आपको कौन सा मिलता है, तो इस फोन आपको MediaTek Helio P22 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेकार प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। चलिए जायरोस्कोपी ऑन कर लेते हैं, जायरोस्कोपी सेंसिटिविटी हम थोड़ी हाई कर देते हैं ताकि आपको दिखा सके फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा आप वीडियो को पूरी देखना मत देखना, वो आपके ऊपर है, लेकिन भाइयों इस फ़ोन को आप गेमिंग के लिए बिल्कुल भी मत खरीदना। इसका प्राइस अभी फ्लिपकार्ट पर शो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर अभी प्राइस जो शो हो रहा है वो 4GB रैम वही 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ का शो हो रहा है, तो इसका प्राइस भी जो भी हो 10,000 से ऊपर ही होगा, तो आपको ये फ़ोन अभी बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो तो भी, या आप गेमिंग भी नहीं करते तो भी आपको ये फ़ोन नहीं खरीदना है, क्योंकि काफ़ी बेकार सा फ़ोन है, क्योंकि इसी प्राइस में आपको और भी अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे इस टाइम में। तो आज के टाइम में आपको Vivo Y83 फ़ोन नहीं खरीदना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है। अगर आप उसमें गेमिंग करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मिलने वाली है। आगे आप देख लीजिएगा इस फोन में काफ़ी लैग काफ़ी फ्रेम ड्रॉप आपको मिल जाएंगे अभी। चलिए वीडियो को आगे देखते रहिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों यही बताना आप कौन सा गेम पबजी बैन होने के बाद खेलना चाहोगे, कौन सा गेम खेलोगे या खेलना बंद कर दोगे, तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर खेलोगे तो कौन सा खेलोगे, और आप कौन से टेस्ट फोन कौन से गेम की टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो देख लीजिएगा आपको स्टार्टिंग में बहुत से लैग मिलेंगे, देख लीजिएगा गेम चिपक चिपक कर अटक अटक कर चलता है, थोड़ा ज़्यादा लैग इसलिए मिल रहे हैं इस फोन में क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन की हुई है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है फोन पर। तो लेकिन इस फोन पर अगर आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर बंद भी रखते हो तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम मिलने वाली है, तो जैसे कि आप भी इसमें देख पा रहे हो आपको इसी तरह के लैग। आगे आपको फ्रेम ड्रॉप भी बहुत मिलते हैं, आपका फोन हैंग भी करता है, तो ऐसा नहीं है, जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन है लेकिन जायरोस्कोप वर्क नहीं करता है, मैंने खूब ट्राई किया लेकिन जायरोस्कोप इसका वर्क नहीं करता है। तो चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए, सिर्फ जायरोस्कोप ऑन ही होता है लेकिन वर्क नहीं करता, तो शायद इसमें जायरोस्कोप सेंसर आपको नहीं दिया गया है। दोस्तों पबजी पूरी तरह चाइनीज नहीं है, फिर भी पबजी को बैन कर दिया गया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी चाइनीज ऐप किसी भी ऐप में थोड़ा सा भी शामिल था चाइना, उसी ऐप को बंद कर दिया गया है, क्योंकि Tencent का एक भी ऐप अब भारत सरकार ने नहीं छोड़ा, सभी को बैन कर दिया, 118 ऐप बैन किए गए हैं, तो अब तक टोटल मिलाकर 200 प्लस चाइनीज ऐप्स बैन किए जा चुके हैं। तो पबजी के भी नंबर आ गया इस बार, हालांकि पबजी बचा रहता था लेकिन इस बार पबजी को भी लगा दिया। चलिए देखते रहिए Vivo Y83 में काफ़ी लैग काफ़ी फ्रेम ड्रॉप मिलते रहते हैं, तो थोड़ा गेम प्ले आके देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आप कौन से गेम की टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो। चलिए थोड़ा गेम प्ले आके देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। आगे पबजी की वीडियो तो शायद ना आ पाएँ, लेकिन आपके लिए और भी गेमों की वीडियो में लेकर जरूर आऊँगा, जो भी गेम आप बोलोगे, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाली है, आप वहाँ जाके भी वोट कर सकते हो। चलिए थोड़ा गेम प्ले आगे देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो मैंने आपको बता दिया ये फ़ोन अभी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना, अगर आप गेमिंग करते हो तो भी, ना करते हो तो भी। तो चलिए आगे थोड़ा गेम प्ले देखते रहिए कि इस फोन में आपको कितने लैग या कितने फ्रेम ड्रॉप मिल जाते हैं। तो आपका फ़ोन ये हैंग भी करता है अगर आप ज़्यादा टाइम पबजी खेलते हो सकता है स्टार्टिंग में सही चल जाए लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम जरूर मिलेगी।